सुधाकर है, मैं यूपी के बलिया का रहने वाला हूँ, बट लास्ट 10 ईयर से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं IIT दिल्ली से पास आउट हूँ और PhD कर रहा हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में। मेरा प्रॉब्लम 8 9 मंथ पहले एक हल्का सा टूल्स के बगल में एक थोड़ा टाइप का हुआ, बट वो ठीक नहीं होता था। तो हमने एम्स में विजिट किया और वहाँ पर हमने एम्स में विजिट किया वहाँ पर हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, बट उन्होंने छाड़ छूत्र लगाया। लेकिन छाड़ छूत्र लगाने के बाद 3 4 डेज बाद इतना चारों ओर इन्फेक्शन फैल गया कि आई रियली मैं डर गया। फिर डॉक्टर आशीष सर के हमने टेलीविज़न पे वीडियो देखा इनका, तो यहाँ पर आया तो इन्होंने किया हमें। उसके 3 4 डेज बाद मैं चलने लगा और आफ्टर 20 30 डेज बाद आई कम्प्लीटली मेरा ठीक हो गया। और आई एम हैप्पी विथ यू कि डॉक्टर आशीष सर ने हमें मतलब इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट किया कि हम इन फ्यूचर में अब कभी भी इस तरह के नहीं सोचते कि होगा। और अलग लोग भी सजेस्ट करेंगे इस तरह से आपके प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए डॉक्टर आशीष सर। थैंक यू सर। कितना सीटिंग में हुआ था आपका? मेरा एक सीटिंग में हुआ था सर। और पहले जब छाड़ सूत्र हुआ था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थोड़ा सर सा? छाड़ छूत्र हुआ था तो इतनी पेन थी कि मैं 5 डेज तक कुछ भी नहीं खाया लाइटिंग के डर से कि ताकि हमारा टूल्स निकलेगा। काफ़ी दर्द, रात भर मैं सो नहीं पाता था। पेन किलर हर 2 घंटे पे खाता था जो कि हार्मफुल होता है, फिर भी मैं खाता था। उसके लिए काफ़ी मतलब इतना पेन सहना पड़ा कि आई रियली रिमेम्बर द पेन कि कैसा किसी का ना हो कि इतना पेन या छाड़ छूत्र मतलब काफ़ी हार्मफुल था वो। मतलब मैं देख कर इतना डर गया था कि मतलब हम मतलब ये वर्ड में मतलब अपना दर्द बयां नहीं कर सकते सर। मेरी दोस्त की मेरे साथ ही वो एम्स में कराया था तो उसका भी बहुत सारे प्रॉब्लम था, तो वो वहीं पर मैं मिला था तो वो मेरा ठीक हो गया था। ऐसे ही बात किया तो उसको भी मेरे से भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुआ, तो उसने बोला कि आप कैसे कराओ। तो हमने बोला कि आप आशीष सर के पास जाओगे, क्योंकि मैं वहाँ कराया था तो 3 4 डेज बाद मैं चलने लगा था, मैं ठीक हो गया था। मैं अपना मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई स्टडी था वो करता था, अदरवाइज मैं तो बेड पर खड़ा नहीं हो पाता था। और दो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। तो उस दोस्त से भी हमने बात किया तो भी बोल रहा है कि मैं भी ठीक हो गया हूँ और थैंक्स टू द डॉक्टर आशीष सर।